तो हीरो ने लॉन्च कर दिया अपनी स्ट्रीम 160R 4V का बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन और इसको 2.0 के नाम से उन्होंने लॉन्च किया है। और आज के इस वीडियो में इसके बारे में हमें बताने वाले हैं कि क्या क्या इसमें अपडेट मिले हैं और कैसे ये और ज़्यादा रिलैक्स्ड और ज़्यादा आरामदायक और ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस एक्सट्रीम 160R 4V के एक डिटेल रिव्यू की तरफ। और मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल सोलो ट्रैवलर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ इसके इंजन की तरफ। तो यहाँ पे इंजन में ऐसी कोई छेड़खाड़ नहीं की गई है, सेम जो पुराना इंजन यूज होता था आपका 162.7 सीसी का 163 के आसपास, तो वो सेम इंजन यूज हो रहा है। यहां पे 4V लिखा हुआ है, तो 4 वॉल्व आपका इंजन है और साथ में 4 स्ट्रोक इंजन है। यहां पे आप देख पा रहे हो कि यहां पे आपको ऑयल कूल्ड मिल जाती है, साथ में जो एयर कूल टेक्नोलॉजी है वो तो रहती है, साथ में यहां पे ऑयल कूल टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। पावर फिगर की अगर मैं आपको बात बता दूं तो यहां पे आपको मिल जाती है 16.9 पीएस की पावर और अच्छा खासा टॉर्क भी मिलता है, 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाता है। तो अच्छी पावर जनरेट कर रही है 160 सीसी में और अच्छा टॉर्क भी जनरेट कर रही है। और हीरो क्लेम करता है कि 160 सीसी के हिसाब से ये इनकी फास्टेस्ट बाइक है मार्केट में, और जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे वो आपकी N160 हो गई, चाहे NS160 हो गई, चाहे वो आपकी अपाचे 160 हो गई, तो 4V 160 सीसी में ये आपकी फास्टेस्ट बाइक है जो 0-60 या 0-100 अचीव करती है। बाकी आपको मैं फ्रंट की तरफ अगर ले चलता हूँ तो फ्रंट में आप देख पाओ कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है कि यहाँ पे जो बैचिंग आपको दिख रही है कि डुअल चैनल ABS यहाँ पे आ गया है। तो अब यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, तो और ज़्यादा आपकी जो बाइक है वो और ज़्यादा सेफ हो गई है। हैंडलिंग आपकी जो ब्रेकिंग के बाद है वो और ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। फ्रंट का जो आपका डिस्क ब्रेक है, ये आपका पेटल डिस्क ब्रेक है, तो हीट और ज्यादा बेटर करता है। साथ ही यहां पे जो कैलिपर है, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि किस चीज के कैलिपर है, कंपनी के इनहाउस किसी कंपनी से उन्होंने मंगाए होंगे, बट जो बाइट है इसकी वो अच्छी है। बाकी राइड रिव्यू करूंगा तो उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फ्रंट के जो डिस्क है उसका साइड आपका 276 mm का है, तो अच्छे ठीक ठाक साइज के डिस्क है। फ्रंट में आपको 17 इंच के अलॉय देखने को मिल जाते हैं। जो टायर है वो आपके C8 के जूम प्लस टायर देखने को मिल जाते हैं। और फ्रंट के जो टायर का प्रोफाइल है, ये आपका 100 प्रोफाइल के टायर है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोफाइल कहाँ है, उस साइड है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, ये 100x80 17 के आपके टायर हैं और ट्यूबलेस टायर है, तो ठीक ठाक टायर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ये सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे लिखा है आपका KYB, तो यहाँ पे आपको KYB के सस्पेंशन मिल जाते हैं। USD सस्पेंशन है 37mm के, काफ़ी अच्छा काम करने वाले हैं। और अगर मैं आपको ऊपर की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाती है एक प्रॉपर LED हेडलाइट, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टिव LED हेडलाइट देखने को मिल जाती हैं। जो आपके इंडिकेटर्स हैं, ये भी आपके LED इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे आपको छोटी सी हीरो की H की बैचिंग मिल जाती है। अब आपको अगर मैं साइड में ले चलता हूँ तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसका जो पेट्रोल टैंक है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे ये प्लास्टिक का जो पैनल है, ये आपका पूरा बॉडी के साथ इंटीग्रेटेड लगता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई गैप देखने को नहीं मिल जाता। यहाँ पे ये 160 लिखा हुआ है और यहाँ पे ये R ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। ये जो कलर है, ये हीरो का बिल्कुल नया कलर है, इसको आप केवलर ब्राउन बोलते हैं। और साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा बाइक को जो है, मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सा लुक देता है। 12 लीटर का आपका पेट्रोल टैंक है और मुझे लगता है जिस हिसाब से कंपनी बोलती है कि 48 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज का क्लेम करती है कंपनी, तो इस हिसाब से 12 लीटर का जो टैंक है वो अच्छी खासी आपको रेंज देने वाला है। एक इंप्रूवमेंट हुआ आपकी सीट, तो यहाँ पे देखो पहले स्प्लिट सीट मिलती थी, बट यहाँ पे आपको सिंगल स्टेप सीट देखने को मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है। यहाँ पे गोल्डन कलर से 160R की एम्ब्रॉयडर्ड किया गया है, जो कि इसको और ज़्यादा थोड़ा सा रिच फील देती है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग फील देती है। पीछे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको ग्रेविल हैंडल देखने को मिल जाएंगे, साइड में आपका ब्लैक पैनल, और यहाँ पे भी आपका ये कॉपर गोल्ड टाइप का एक कलर है, उस पर यहाँ पे H की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ मैं अगर आपको ले चलता हूँ तो एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, तो ये एक बार अगर इसको आप जलाएंगे तो ये आपके बिल्कुल नए शेप में आपके टेल लाइट देखने को मिल जाती है, जो H जैसा थोड़ा सा देखने में लगता है। तो हीरो बोलता है कि जो आजकल ब्रांडिंग कर रहा है कि ज़्यादातर बाइक्स में ये अपना जो लोगो है H उसको इम्बिल्ट करता है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे की गया है। पीछे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आपके LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे साइड में ब्लैक कलर का आपको एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं एग्जॉस्ट की आवाज़ आपको सुना देता हूँ ऑन करके बाइक को, तो न्यूट्रल में ऑलरेडी बाइक है और ये एग्जॉस्ट है, तो आप तो
आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका जो एग्जॉस्ट नोड है वो कैसा है। मेरे को तो ठीक ठाक लग रहा है। पीछे की तरफ अगर मैं आपको टायर के लिए चलता हूँ तो पीछे भी आपके सेम 17 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। ये भी आपके C8 के जूम सीरीज के। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 130/7 R17 है। R यानी कि डिनोट करता है कि ये आपके रेडियल टायर है। तो पीछे वाले जो टायर है वो आपके 130 सेगमेंट के रेडियल टायर देखने को मिल जाते हैं। आगे में रेडियल टायर नहीं देखने को मिल जाते, सिंपल 100mm के टायर देखने को मिल जाते हैं, बट पीछे वाले आपके रेडियल टायर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा पीछे की जो डिस्क प्लेट है ये आपकी 220mm की है, और जैसा मैंने आपको बताया कि डुअल चैनल ABS है, तो पीछे भी आपको ABS टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी, आगे भी ABS टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। बाकी ये फुट रेस्ट है आपका, यहाँ पर कोई ऐसा रबर की ग्रिपिंग नहीं दे रखी, बट यहाँ पे टेक्सचर दे रखा है, तो पीछे वाले राइडर के जो पैर हैं वो जल्दी स्लिम नहीं करेंगे। यहाँ पे जो फ्रंट का राइडर होगा जो बाइक चलाएगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर रबर की ग्रिपिंग दे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे इंजन के ऊपर जो काउल लगा हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, थोड़ा सा स्पोर्टी फील दिखता है। 4V यहाँ पे भी गोल्डन कलर में लिखा हुआ है 4 वॉल, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो अच्छी खासी आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाती है। 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी अच्छी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 160 से ऊपर जो भी ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल रही है वो इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है। आपको अगर गाँव साइड में भी रहते हो, थोड़ी ऊँटी मतलब टूटी फूटी रोड्स पर भी है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सीट हाइट की बात बता देता हूं, तो ये देखो मैं आपका 6'2" का हूं और ये मैं बैठा हुआ हूं। ये आपकी 795mm की सीट हाइट है, और मुझे लगता है अच्छी सीट हाइट है। 800 से नीचे की जो भी सीट हाइट है वो इंडियन रोड्स के हिसाब से, इंडियन राइडर्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सीट कंफर्टेबल है, पीछे भी अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, पिलियन को बैठने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर मैं इसके हैंडल बार को ऐसे पकड़ता हूँ तो आप देख लो काफ़ी ज़्यादा अपराइट हैंडल बार है। मेरे को यहाँ शोल्डर्स पे या फिर यहाँ पे रिस्ट पे ऐसा कोई पेन नहीं होने वाला, और काफ़ी वाइड भी है। तो अगर आप थोड़े से टॉल राइडर हो मेरी तरह तो भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जैसे मैं 6'2" हाइट हूँ, तो यहाँ पे जो इसका टैंक का जो शेप है ना, ये थोड़ा सा ऑड हो रहा है। यहाँ पे मैं पैर बहुत अच्छी तरह नहीं रख पाता, अगर मैं थोड़ा सा पैर ऐसे रखने की कोशिश करता हूँ तब ये ज़्यादा फिट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 6'2" हाइट वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है बाइक। अगर आपकी हाइट 6'5" 11 या उससे नीचे है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होने वाला है। क्यों? क्योंकि हल्की बाइक है, वेट ज़्यादा नहीं है, 146 किलोग्राम का काब वेट है, तो उस हिसाब से इसको हैंडल करना और भी ज़्यादा आसान होने वाला है। पीछे की तरफ अगर आपको मैं सस्पेंशन दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं हाइड्रोलिक्स वाले, और यहाँ पे आपको 7-स्टेप एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आपके पास एक काफ़ी अच्छी रेंज है बाइक के पीछे के सस्पेंशन को ट्यून करने के लिए। अपने हिसाब से आप उसको हार्ड कर सकते हो, अपने हिसाब से थोड़ा सा लूज कर सकते हो, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं इस बाइक में कुछ बचा है, बट फ्रंट की तरफ जो हैंडल बार और मीटर है उसकी तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। तो सबसे पहले हैंडल बार की तरफ ले चलता हूँ, तो यहाँ पे जो राइट साइड का हैंडल बार है ये आपका एक्सेलेरेटर हो गया, और साथ में ये आपका ब्रेक हो गया। इधर अगर आप ले चलोगे तो यहाँ पे ये इंजन किल स्विच है, ये इग्निशन ऑन का स्विच है, और ये आपका सेल्फ स्टार्ट का स्विच है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हजार्ड लाइट, मतलब आपके जो चार इंडिकेटर हैं वो एक साथ जलेंगे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन कंपनी ने दे रखा है। यहाँ पे काफ़ी छुपा के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है, तो इससे आप अपना मोबाइल या बाकी एक्सेसरीज चार्ज कर सकते हो। बाकी ट्यूबलर फ्रेम में हैंडल बार है। लेफ्ट साइड में अगर मैं आपको ले चलता हूँ तो यहाँ पे आप देखो तो ये आपका क्लच हो गया, ये भी सिंगल में, ऐसा कोई एडजस्टेबल क्लच नहीं है। ये आपका हाई बीम हो गया, ये लो बीम हो गया, ये आपका इंडिकेटर हो गया, बीच में बटन है, और ये आपका हॉर्न है। मैं एक बार आपको हॉर्न आवाज़ सुना देता हूँ, तो ये आपका हॉर्न है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे पास का बटन दे रखा हुआ है। अब मैं आपको मीटर की तरफ ले चलता हूँ, तो छोटा सा मीटर है बट पूरी तरह डिजिटल मीटर है, और ये देखो मीटर आपका ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ एक नई चीज़ उन्होंने लाई है, पुरानी चीज़ें क्या थी कि ये आपका RPM मीटर हो गया, ये आपका गियर इंडिकेटर हो गया, अभी न्यूट्रल का रखा है, ये आपका स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पे आपका टाइम दिखा रहा है, और नीचे आपका फ्यूल गेज दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ ब्लिंकर्स है, जैसे ये स्टैंड लगा हुआ है तो बता रहा है ABS की लाइट जल रही है, ये पेट्रोल बता रहा है कि कम है। इसके अलावा यहाँ पे इंजन माल फंक्शन हो गया, बट इसके अलावा यहाँ पे जो बटन है इसको अगर आप दबाते हो तो यहाँ पे ओडोमीटर आ जाता है, और एक बार और दबाओ तो ट्रिप 1 आ जाता है, एक बार और दबाया तो ट्रिप 2 आ जाता है।
इसके अलावा यहाँ पे D1 आ गया, ये आपका रेस मोड है, मतलब लैप्स टाइमर है कि लैप 1 जो रहेगा उसका टाइम क्या है। इसके अलावा ये D2 है, यहाँ पे लैप टाइमर है, तो दो लैप टाइमर भी इन्होंने इसमें डाल रखे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी ये आपकी की है तो सिंपल सी की देता है हीरो, यहाँ पे ऐसी कोई वेव की देखने को नहीं मिलती है। और जो इसके जो क्लचेज हैं वो भी आपके मल्टी प्लेट वेट क्लच है, इसमें ऐसे स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको नहीं मिलता। बट जिस हिसाब से 160 सेगमेंट में ये बाइक बिलोंग करती है, और जो इसका प्राइस सेगमेंट है कि 1,39,500 रुपये एक्स शोरूम में आपको मिल जाती है, तो इस हिसाब से जो चीज़ें ऑलरेडी इस बाइक में उन्होंने दी है, जैसे हज़ार्ड लाइट हो गया, फुली LED सेटअप हो गया, और KYB के आपके सस्पेंशन हो गए, और एक अच्छा खासा इंजन आपको मिल जाता है जो कि आपका अच्छी खासी पावर जनरेट करता है, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे ये बाइक दिखती है। इस सेगमेंट के जो बाकी बाइक्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टफ फाइट देने वाली है। तो एक बार ले चलते हैं इसको एक राइड की तरफ, और राइड करके मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इस बाइक को चलाने में कैसा फील आता है, उसके बाद कंक्लूजन करते हैं। तो भाई देखो, आ चुके हैं बाइक के ऊपर, और हेलमेट का वाइजर कर लिया है बंद, और इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट करता हूँ मैं। तो स्टार्ट होने के बाद एक चीज़ पता चलता है कि बाइक पहले से ज़्यादा रिफाइंड हो चुकी है, बट स्टिल इसकी रिफाइनमेंट है। अगर आप अपाचे 160 या N160 से कंपेयर करोगे तो उतनी रिफाइंड नहीं है, बट हाँ, रेव अच्छा कर रही है बाइक। और स्टार्ट कर देते हैं, और ये गया पहला गियर, चेंज कर चुका हूँ मैं, और देख लो भाई, मस्त गाँव के रोड पर कर रहे हैं इसका टेस्ट राइड। और बाइक अपने आप को कैरी बहुत अच्छी तरह करती है, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। छोटी बाइक है, शॉर्ट बाइक है, हल्के राइडर्स के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, हैंडल करना बाइक को बहुत ज़्यादा आसान है, ग्राउंड क्लियरेंस बाइक की बहुत अच्छी है, और ये देख लो आप, ईज़िली चढ़ जाती है। ये देखो आप, ये कितना ईज़िली चढ़ी और बहुत आराम से चढ़ी, और एक्सेलरेट बहुत अच्छी कर रही है बाइक अपने आप को। आप देखो, ये मैं आ चुका हूँ, ये मैं फोर्थ गियर पे आ चुका हूँ, और बहुत अच्छी तरह एक्सेलरेट कर रही है अपने आप को। ये मैंने पांचवा गियर लगा दिया है, और 5 गियर स्पीड ट्रांसमिशन है इसमें, मतलब 5 ही गियर हैं, 6 गियर नहीं है, और इस सीसी में ज़्यादातर बाइक्स में 5 ही गियर आते हैं। और ये मैंने ब्रेक लगाया, और देखो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है, ब्रेक काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं ब्रेक, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लगा मुझे। हाई स्पीड पे भी मैंने ब्रेक लगाया, उसके बाद भी हैंडल बार अच्छा लगा मुझे यार, छोटी बाइक है स्टिल हैंडल बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसको हैंडल करने में। और देखो ये कैसे मैंने 4 व्हीलर्स के बीच में से निकाली, एक्चुअली 4 व्हीलर्स नहीं है, 4 लेगर्स हैं। और ये देखिए आप कितनी ईजिली निकल जा रही है यार, हैंडलिंग बहुत कमाल की है। बाकी मल्टी प्लेट वेट क्लच है, आपका स्लीपर क्लच नहीं है, बट स्टिल क्लच जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। ऐसा कभी मुझे एक बार भी लगा नहीं कि जो इसके गियर हैं वो फंस रहे हों, काफ़ी स्मूथ गियरिंग है। अभी फ़िलहाल के लिए नई बाइक है तो गियर काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि इसका एक मैं ओनरशिप रिव्यू भी लाऊँ तो वो भी मैं जल्दी ला सकता हूँ। सीट्स कंफर्टेबल हैं, पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है, सिंगल सीट है तो स्पेस ज़्यादा अच्छा हो गया मूव करने के लिए। और एक बार यहाँ से यूटर्न मारते हैं और देखते हैं कि बाइक कितना ज़्यादा हैंडल करती है अपने आप को। और ये मैंने यूटर्न मारा और काफ़ी इजीली बाइक मुड़ गई, पतली सी रोड है स्टिल। बाकी ये मैं भगा रहा हूँ बाइक, एक बार और भगाते हैं, 4th गियर, 5th गियर पे आ गया हूँ। देखो वाइब्रेशन अभी तक नहीं हो रहे, 5000 RPM तक मुझे ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे कहीं भी। थोड़ा और भगाता हूँ, 6000 RPM तक भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे, तो वाइब्रेशन उतने नहीं है। हैंडल बार में थोड़े बहुत वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, बट 6-7 हज़ार तक ये चीज़ है कि उतने ज़्यादा वाइब्रेशन और कहीं नहीं फील हो रहे, सीट्स पे नहीं फील हो रहे, फुटपैक्स पे नहीं फील हो रहे, टैंक पे, थाइस पे नहीं फील हो रहे, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ चेक है, रिफाइनमेंट चेक में है, ऐसा कोई नहीं है कि अनरिफाइंड बाइक हो। सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आ रहा है इस बाइक की हैंडलिंग, कि जिस हिसाब से इस बाइक की जो मतलब फ्रेम है और जिस हिसाब से बाइक को डिज़ाइन किया गया, जिस हिसाब से बाइक का वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से इसके जो फ्रेम है वो बहुत ही वेल बैलेंस्ड फ्रेम है, और चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। स्पेशली अगर आप सिटी में राइड करोगे
तो मैं पूरे यकीन से बोल सकता हूँ कि इस बाइक को चलाने में बहुत मज़ा आएगी आपको सिटी में। इकलौती चीज़ जो अभी तक मुझे एक नेगेटिव मिली है वो यही मिली है कि बाइक थोड़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। अगर आप 5'11" से ज़्यादा हाइटेड बंदे हो तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल आपको हो सकती है बैठने में, आप बाइक के साथ उतना कनेक्टेड नहीं रह पाओगे। बट स्टिल मैं 6'2" हूँ और बाइक को चला रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आ रही है। और ये देखो कितनी ईजिली मैंने यहाँ से बाइक नीचे उतार दी। गाँव की रोडों के लिए भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन होने वाला है ये, और मुझे बहुत मज़ा आएगा अगर आप लोग N160 NS160 या 5/164V चला रहे हो और इस बाइक के ऊपर स्विच करते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। पावर में जो इसके बढ़त है वो आपको फील होगी, उन बाइक से ज़्यादा पावर आपको लगेगी इस बाइक में। तो बाकी ये राइड रिव्यू था और अब चलते हैं आपका कंक्लूज़न की तरफ। तो भाई देखा आपने, राइड कर ली है और बाकी आ चुके हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और बहुत थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से। तो बाइक का इंजन जो है वो मुझे ठीक ठाक रिफाइंड लगा, बल्कि एकदम टॉप नॉच नहीं बोल सकते, N160 या अपाचे से कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल अच्छा इंजन है, रिफाइंड इंजन है, सस्पेंशन अच्छे हैं, चाहे फ्रंट की बात कर लूँ चाहे बैक की बात कर लूँ, पोस्चर अच्छा है, सीट्स कंफर्टेबल हैं और हैंडल बार जो वाइड इनफ है उसकी वजह से इसका जो हैंडलिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फ्रेम और बाइक का जो वेट है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि आपको बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, स्पेशली सिटी राइड जो इस बाइक की वो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। बाइक को काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट रखा गया है तो हैंडल करने में और ज़्यादा मज़ा आती है। तो ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट थे। बाकी एक थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स हैं या फिर बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिसाइड करने में थोड़ा हेल्प करेंगी बाइक लेनी चाहिए नहीं चाहिए। जो फर्स्ट चीज़ है कि बाइक थोड़ी सी कॉम्पैक्ट बनाई गई है, अगर आप 5'11" से ज़्यादा हाइट वाले हो तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम कनेक्टेड रहने में हो सकती है, पैर आपके उस तरह से फिट बाइक के साथ नहीं बैठते लाइन में, थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल होता है। बट स्टिल मैं 6'2" हूँ, मैंने चलाई, थोड़ी अनकंफर्टेबल थी बट राइड जो है मैंने इन्जॉय की। जो दूसरी चीज़ है इस बाइक में वो है आपका सेम जो मैंने इंजन की बात की कि इंजन रिफाइंड है, बट जो कॉम्पिटिटर बाइक से उस लेवल का रिफाइनमेंट अभी भी इसमें नहीं आया। स्टिल इंजन मैं बोलूँगा रोबस्ट है, पुराने एक्सट्रीम्स में ऐसे कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई, तो आपका एक रिलायबल इंजन है। तो आप लोग मुझे बताइए कि ओवरऑल जो बाइक है वो आपको कैसी लगी। जो प्राइस टैग है इसका कि 1,39,500 रुपये एक्स शोरूम है, उसके हिसाब से मुझे लगता है एक अच्छा कंप्लीट पैकेज है, वैल्यू फॉर मनी बाइक है। बाकी कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा कि ये बाइक आप बाय करना चाहते हो कि नहीं बाय करना चाहते। अगर आप लोग लखनऊ से हो तो लखनऊ में आपका चिन्हट के आसपास हीरो का शोरूम है सुपर ऑटोमोबाइल, तो वहां पे जाके इस बाइक की टेस्ट राइड आप ले सकते हो और वहां पे इजीली ये बाइक आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ ये व्लॉग एंड करता हूं। सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहां डिस्प्ले हो रहा है, @solotraveler इंस्टाग्राम पे मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।